मुझे जो सामने नजर आ रहा है मैंने वही देख के रिएक्ट किया है. अब पता नहीं है सच है कि झूठ है. क्या देखा आपने, क्या देखा? कुछ उल्टी सीधे फोटोग्राफ्स देखने को मिले. उल्टी सीधी एज इन क्या? फोटो तो सीधी थी, आपने उल्टी कहां से देख ली? सम बैड पिक्चर्स. आई मीन जैसा बेटा है वैसी फोटो थी. उल्टी सीधी? क्या उल्टी सीधी? यानी कि टेढ़ा मेढ़ा. क्या मैं उसमें उल्टी कर रहा था क्या? कैसी फोटो है? नहीं है ये, उल्टा सीधा बेटा पैदा हो गया और अब तारा झेल रही है. सारे उल्टे ही पैदा होते हैं, कौन सीधा होता है? बताइए क्या क्या देखा, क्या विजुअल, क्या इनकी अश्लील फोटोग्राफ्स? मैं तो कुछ नहीं. कितना सोच के बोला है मम्मी जी ने, अश्लील फोटोग्राफ्स. और न्यूज़ पे क्या आ रहा था? न्यूज़, न्यूज़ में क्या आ रहा था? वही न्यूज़ भी वही थी, तो डांट तो पड़नी है. क्या मतलब? डांट नहीं, मार भी पड़ी अर्शदीप को. क्या और क्या दिखा रहे थे? मैं कहां गया हूं क्या? डांस बार हो के आया. तो क्या बुराई क्या है उसमें? मैं डांस देखना कोई बुरी बात है? अभी तो ऑडियंस डिसाइड करेगी बुराई है कि डांस देखना कोई बुरी बात है, मैं जानना चाहता हूँ. राम राम राम. यार लोग वैसे टीवी पे डांस देखते हैं सब फंक्शंस के, इसके उसके, तो वो ठीक है. कोई ये बार जाते हैं डांस देखने और वहाँ पे लैला के साथ बार में ड्रिंक करने जाते हैं और वहाँ डांस चल रहा होता है. अब आप कभी मतलब किसी रेस्टोरेंट की ओपनिंग में जाओ या अल्कोहल भी होता है और डांस भी हो रहा होता है, तो वो अलाउड अच्छा है. वो जो हमने फोटोज देखी है दीप की और लैला की अलग अलग, मतलब अतरंगी. अरे वो तो मैं बंधा हुआ था, उसका क्या? वो तो मुझे बांध के जैसे तुमने किया. दीप वहाँ गया ही क्यों? बंधने के लिए? दीप किसी वजह से गया था, वो पता है लोगों को क्यों गया था, लेकिन तारा को नहीं पता, मम्मी जी को नहीं पता. आप क्यों इतना गलत सोच रही थी अपने बेटे के बारे में? नहीं, मैं ये सोच, क्या विश्वास नहीं आपको बेटे पे? विश्वास नहीं है, ये फैमिली डिबेट चल रहा है. विश्वास मर गया पानीपत की लड़ाई में. लेकिन मुझे ये लग रहा था कि ऐसी फोटोग्राफ्स मेरी बहू के साथ होनी चाहिए. मेरे आंखों पे पट्टी, वो भी कर चुकी है आपकी बहू. और मैंने आपकी बहू को डांटा भी कि माँ देख लेती तुम्हें इस अवतार में. पता है कैसे कपड़े पहन के आई थी आपकी बहू? खूनी बहू. 24 घंटे दिए हैं माँ ने, माँ के पास वक्त डेट्स नहीं है माँ के पास, तो माँ ने कहा 24 घंटे में जल्दी कर दो क्योंकि बाद में 3 दिन अवेलेबल नहीं है. कल से अवेलेबल नहीं होना 3 दिन. अच्छा माँ की आपको एक खासियत बता दूँ जो हमारी लता जी हैं. बहुत ही लाइक व्हाट है. तो उनको जब खुजली आती है तो वो ऐसे खुजाती है. मेकअप होता है ना, मेकअप खराब हो जाएगा इसलिए. तो मैंने एक दिन ऐसे ऐसे कर रही थी तो मैंने पूछा उनसे कि आप क्या कर रही हैं, तो कहती मुझे खुजली आ रही है. अच्छा एक दिन खास रही थी, सुनो सुनो, एक दिन खास रही थी तो मैंने पूछा ऐसे, तो मैंने कहा ये क्या कर रही है, मुझे खांसी आ रही है. तो मैंने पूछा ऐसे कौन खांसता है? खांसो ना. तो आप ऐसे कैसे खास लेती हैं बताइए जरा करके हमारे ऑडियंस के लिए. इसीलिए तो मैं हूँ, मैं ये सब नहीं करूँगी तो मैं. अरे मैं भी मैं ही हूँ ना, ये भी यही है. ऐसे खासते हो? ऐसे खासती हूँ. मुझे माधुरी दीक्षित की याद आ गई, वो नहीं सलमान खान उसमें है ना. और क्या था? हाँ अच्छा हाँ, ये कब किया था आपने? हाँ अच्छा, तो थोड़ा डस्ट था तो ये मैं ऐसे बैठी, ये ऐसे बैठी हूँ, ऐसे कर. तो मैंने पूछा वो क्या कर रही है? थोड़ी स्पीड ज़्यादा थी, कम स्पीड है, इससे ठीक है, ऐसे कर रही है. ऐसे. तो मैंने पूछा भैया क्या है? तो कितनी बहुत डस्ट आ रही है, तो मैं हटा रही हूँ. तो मैंने रोटी कैसे बनाई, आंसू कैसे पहुँचेंगे बताइए. दीप माँ स्टाइलिश तो होंगी. खाना कैसे खाती हैं ऐसे? नहीं खाना कैसे? कैसे जैसे? जैसे खाते हैं. ऐसे मान लो हाथ से खा रही हो तो कैसे खाओगे? ऐसे खाऊंगी. और ये क्या, इसको कभी खाते हुए देखा आप लोगों ने? मारूंगी मुझे ऐसे समोसे चपेट जाती हूँ. ये ना सुबह फिर से शुरू हो गए, सुबह सुबह इतने समोसे मंगवाते हैं. मैं इनकी बात बताती हूँ आपको, वो सब छोड़ो, ये इनको इनका नॉनवेज चिकन और वो सब कुछ दिख जाए फिर तो ये इधर उधर
नॉन वेजिटेरियन ओके okay? फिर ये कुछ नहीं देखते और ये लाइक विद बोथ योर हैंड्स सैलेड खाना सैलेड खाना ये एक और है जितना सटल करती है उतना ही लाउड करती है हर चीज देखूंगा अभी 24 घंटे मेरे पास अभी तक मैंने सोचा नहीं अभी आधा ही घंटा हुआ अभी दो तीन वापस उसी बार में जाना तो पड़ेगा साबित करने के लिए अरे मुझे समझ नहीं आ रही अरे यही वाले यार न्यूज वाले बदनाम करने पे तुले मुझे लगा सच में कुछ ऐसा हो रहा है तुम मुझे बताओ भैया प्लीज ऐसा मत बोलिए आजकल तुम भरो चाहिए अच्छा हाँ तो न्यूज़ वाले इसलिए क्योंकि वो दीप एक बहुत अमीर बिजनेसमैन है और शेयर मार्केट में ऑब्वियसली उसकी कंपनी के शेयर्स वगैरह हैं तो ऐसी सब चीज़ें न्यूज़ में आ गई कि वो डांस पार जाता है ये वो तो ऑब्वियसली उसके शेयर्स के प्राइसेस कम हो रहे हैं और लोग कीचड़ उछाल रहे हैं इट्स लाइक किसी बड़े आदमी को अगर आप बाहर में देखोगे तो कैसे न्यूज़ में डाल दोगे ना सब जगह वैसे ही दीप का गया है